नमस्कार प्राइम ओडिसा को स्वागत करछि मिनलिमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे सेनापति शेष कृत्य मुखाग्नि देले दुई झी पंचभूतरे लीन हला सीडीएस जनरल बिपिन रावत और पत्नी मर शरीर दिल्लीर बरास स्क्वायर 800 जवान 17 तोप सलामी देश जणाइला भाविहोल विदाय ममिता भयरे पलायन पंथी हेले कि सरकार 20 दिन पूर्व विधानसभा शीत अधिवेशन शेष प्रतिवादरे बीजेपी सदस्यों धारणा सेपटे दिव्यशंकर बहिष्कार दाबी छात्र कांग्रेस हल्लाबोल विधानसभा घेराव कांग्रेस भवन पशि पिटिला पुलिस सीडीआर लुचुकाली खेल में रोचक मोड़ आईन पेंचो फेल मारे कोर्टे केस डायरी दाखल डेडलाइन 15 मिनिट पूर्व कोर्टे पहुंचे मांगा आईआईसी पुणी सीडीआर दाखल पर आवेदन करे अभियोगकारी धरा पड़ा बिजेडी मिलर प्रेम चाषीों पर नुहे मिलर उषुना चिंता केन्द्र जोगाण मंत्री खोलिले राज्य सरकार मिछ दाबी घुमर संसदीय मंत्री स्पष्ट करने बिजेडी दाबी को नहीं प्रश्न सेपटे बलांगीर मिलर मनमानी राजधानी स्कूल ने कोरोनार सतर्क घंटे कैपिटल परे केवीरे कोविड केन्द्रीय विद्यालय वन 10 शिक्षक पॉजिटिव क्लासरूम पाठपढ़ा को नहीं चिंतार अभिभावक चिलिकार विदेशी विहंग माइल माइल दूर आसुछंती अतिथि फ्लेमिंगो सह अन्य प्रजातिर पक्षी आगमन में चमकुची चिलिका पर्यटकों पसंद पलटि मंगलाजोड़ी और नलबड़ पंचभूतरे लीन हला भारतर प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत पार्थिव शरीर जनरल बिपिन रावत सहित पत्नी मधुलिका रावत शेषकृत्य संपन्न हो दिल्लीर बरास स्क्वायर श्मशान घाटे पूर्ण राष्ट्रीय मर्यादा अंतिम संस्कार हो जनरल रावत और पत्नी मधुलिका दुई झी मुखाग्नि बरास स्क्वायर अंतिम दर्शन पर प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा राष्ट्रमंत्री अजय भट्ट तीन सेनार सेनाध्यक्ष उपस्थित रही शेष श्रद्धाजलि जनवाई यूएस भूटान बांग्लादेश श्रीलंका ब्रिटेन प्रतिनिधि बरास स्क्वायर उपस्थित रही जनरल रावत को 17 तोप सलामी दि जाता प्रथम दिल्लीर तीन कामरा स्थित घरे सीडीएस जनरल बिपिन रावत को अंतिम श्रद्धाजलि जनाइले देशर बहु विशिष्ट व्यक्ति यापर सीडीएस बिपिन रावत और पत्नी मधुलिका रावत अंतिम यात्रा आरंभ होता रास्तार हजार हजार संख्यार भिड़ देखा मिले निजर नायकों समस्ते अश्लील विदाय जनाइले जनरल बिपिन रावत अमर रहे वंदे मातरम एवं भारत माता की जय नारा मध्य बिपिन रावत यात्रा बाहर था दिल्ली केन्टर बरास स्क्वायर जीवा रास्तार विपुल संख्यार लोके पुष्पवर्षा करते भारत माता की जय और आर्मी बैंडर धून सहित बाहरी अंतिम यात्रा दिल्लीर बरास स्क्वायर आज पंचभूतर लीन होती सीडीएस जनरल बिपिन रावत एवं पत्नी मधुलिका रावत पूर्ण राष्ट्रीय सम्मान सहित राष्ट्रीय मर्यादा सहित शेषकृत्य संपन्न होता जहाँ रीतिनीति रही हिंदू परंपरा अनुजाई से अनुजाई आज पूर्ण राष्ट्रीय मर्यादा सहित सैन्य सम्मान सहित आज शेषकृत्य संपन्न होनूर चपट ट्राजेडी शहीद होती सीडीएस जनरल बिपिन रावत दुई झी कृतिका एवं तारिणी मुखाग्नि आज अंतिम विदाय देवा समय रे एक प्रकार भाविहोल पड़ा पूरा देश शहश संख्यार लोके सामिल होते अंतिम यात्रा रे रास्ता सारा पुष्पवर्षा होता देखा मिले
800 जवान 17 तोप सलामी देते संपूर्ण राष्ट्रीय मर्यादार सहित शेष होता यह शेषकृत्य पंचभूत विलीन होती रावत दंपति। सेनापतिंक शेषकृत्य मुखाग्नि देले दुई झी पंचभूत लीन है सीडीएस जनरल बिपिन रावत और पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर दिल्लीर बया स्क्वायर 800 जवान 17 तोप सलामी देते पूरा देश भवविहल विदाई देता और देखा मिले जिते काफिला बाहरी बासभवन तीन कमरा स्थित बासभवन सेनार ब्रांड धून बाजी अनेक लोक ये शहश संख्यार सामिल होते शेषकृत्य संपन्न जी कह बारा स्क्वायर उपस्थित रही है प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित रही है राष्ट्ररक्षा मंत्री उपस्थित रही है एवं बांग्लादेश यूएन भूटान श्रीलंका प्रतिनिधिमंडल मैंने उपस्थित रही है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का शेषकृत्य संपन्न गोटे जुई में जलिले जनरल बिपिन रावत एवं पत्नी मधुलिका रावत दिल्ली ब्रार स्क्वायर श्मशान घाट में पूर्ण राष्ट्रीय मर्यादा सहित शेषकृत्य संपन्न हो। ममिता भय रे पलायनपंथी हेले कि सरकार 20 दिन पूर्व सरी शीत अधिवेशन जहाक नहीं राज्य सरकार को विरोधी प्रश्नपाण गांधी मूर्ति तले बस प्रतिवाद जन विरोधी ममिता प्रसंगे राज्य सरकार को उपरे चाप पड़ एभली निष्पत्ति अभियोग डिसेंबर पहलू आरंभ होता विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन धार्य 20 दिन पूर्व तथा 17 कार्यदिवस बाकी थी अधिवेशन को अनिर्दिष्ट काल मुलतवी घोषणा कर देते बाचस्पति गृह से सरकारी दल मुख्य सचेतक मुलतवी प्रस्ताव आनी गृह कौन सी बिजनेस नथिबारु से मुलतवी प्रस्ताव आनी बुला करने प्रस्तुत नुहत पलायनपंथी भूमिका नहीं आम भी जी जानचु गृह भितर सरकारी दल जो मैंने भी अच्छे से मैंने भी कहीपर ना कि क्षुब्ध अच्छा कौन पर मुख्यमंत्री आसुना कौन पर मुख्यमंत्री यटा को गोटे छोटिया कथा बोली भाविले कि शारीरिक असुस्थ अच्छी कौन अच्छी ए विषय गृह को कहीं जनईले गृह भी अवगत है तेणु गृह को अंधार रखी जी जहाँ कथा कले मानवर मुख्यमंत्री विधानसभा को बिल्कुल आसिले ना एवं विधानसभा को आहरी 20 दिन बाकी पूर्व बंद करदे आम चाहूल जे मानवर मुख्यमंत्री गृह को आसतु गृह निजे फिजिकाली आसी बिबृति दिंतु एवं तार सहित ममिता मेयर हत्याकांड को न्याय देवाई सीए तदंत करने सीबीआई तदंत करने पूर्वर मंत्री दिव्यशंकर मिश्र को बहिष्कार करने जदि प्रकृत सी स्वच्छ एवं सी निरपेक्षता से संपृक्त नुहति बोली जो कथा सरकार बारंबार कहते से प्रमाण देवाई असुविधा कौन अच्छी प्रथम दिन रु अर्थात 1 तारीख रु सरकार कौन सी ऑफिशियल बिजनेस नहीं बोली आम कहूलु एवं तांकर नहीं आम देलु आलोचना करने ममिता मेयर हत्याकांड एवं ताकु जो माने सहयोग करिसंती किंतु नवीन बाबूं एक छात्र मनोभाव एत बढ़ी जाइए अहंकार एत बढ़ी जाइए से ताकु कौन से ना कौन से प्रकार विरोधी दल को सुजोग देले नहीं आलोचना करिया नवीन बाबू गणतंत्र को हत्या करिवारे तांकर ये गोटे माहिर अच्छे विधानसभा 31 तारीख पर्यटन चलवा कथा किंतु आज से बंद कर चाले कारण नवीन पट्टनायक पाखे कौन सी उत्तर ना दिव्यशंकर मिश्र को बचेवाई आंदोलन पोड़ाजला लाठीमाड़ विक्षोभ और नाराबाजी ममिता हत्याकांडे गृहमंत्री दिव्यशंकर मिश्र बहिष्कार दाबी राज्य में जारी रही प्रतिवाद 9 दिन धरी अचल रही विधानसभा सेबड़े बीजेपी युव मोर्चा पर आज विधानसभा बाहर भी छात्र कांग्रेस पक्षर कर प्रतिवाद आउ पुलिस कर लाठीचार्ज कांग्रेस भवन में पशि आंदोलनकारी गोड़ाई गोड़ाई पिटी पुलिस
राज्य में मातिछंती चंडाल रूपी राजनेता धृतराष्ट्रंक राज्य में मातिछंती दुर्योधन दुशासन रावण आउ कुंभकर्ण ममिता मेहर हत्याकांड घटना रे राज्य सरकार का निरवता को नहीं सरकार को ऊपर बरसिछंती विरोधी बीजेपी और कांग्रेस सेबड़े नवम दिन पाई विधानसभा रे देखा दे अचलावस्था विरोधी बीजेपी और कांग्रेस सदस्य मैंने गृह से घंट बाड़ाई प्लाकार्ड देखाई करिछंती प्रतिवाद बीजेपी युव मोर्चार आंदोलन समय पुलिस जपरी बर्बरोचित भावे बीजेपी कर्मी को माड़ मारी लहु लुहाण कला ताकु नहीं स्वर उठाई बीजेपी दलर विधायक मैंने सेपटे मंत्री दिव्यशंकर मिश्रों इस्तफा दावी जिद्रे अटल रही कांग्रेस अब यार जवाब रखी बीजेडी चांदाल प्रवृत्तिर राजनैतिक लोक अच्छा चाहती क्षमता रे प्रमत्ता है दिन जमी दुर्योधन दुशासन रावण कुंभकर्ण रोथले आज तार पुनरावृत्ति हला भले आमको लागू कुंभकर्ण निद्रा रे सोइछंती एवं राज्य सरकार कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र को बंचेबा पई घंट गड़ौछंती कहिबा पई चाहूछंती कोन से माने वास्तव में घंट घड़ेवाई घंट बजेवाई जदि चाहूँ से माने जाइकरी सीधा साल मंदिर को जातु से घंट बजातु भगवान तांकर कथाटा सुन विधानसभा भितर ममिता ताती और विधानसभा बाहर भी ममिता ताती बीजेपी युव मोर्चार विधानसभा सम्मुखें प्रतिवाद पर आज प्रतिवाद कर छात्र कांग्रेस पुलिस गार्डन भांगा चेष्टा कर पुलिस और कांग्रेस कर्मी मध्य होता धस्ताधस्ती आंदोलनकारी को ऊपर पुलिस करी लाठी माड़ कांग्रेस कर्मी को गोड़ाई गोड़ाई पिटी पुलिस एपरिक कांग्रेस भवन भितर पशी माड़ मार पछाई नाला पुलिस पुलिस एपरी आचरण को कांग्रेस कर्मी मास्टर कैंटीन छक धारणा दे निंदा करने आग को जोरदार आंदोलन करने को चेतावनी राज्य गणतंत्र ठीक नुहे नवीन बाबू इस्तफा दबा दरकार पुलिस वाला भिजुआल अच्छी पुलिस कहार गुंडा पुलिस कहार चाकर कर नीति चलो ना जदि कांग्रेस पिला को अटकवा चाहो आगामी दिन अटकई देख ममिता हत्याकांड को नहीं नौ दिन है विधानसभा अचल रही बीजेपी और कांग्रेस पक्षर विधानसभा घेराव कर प्रतिवाद जारी रखिंट सारा राज्य में जलुची ममिता निहां सरकार आक्शन ने कहीं पछाऊँ प्रश्न करोधी भुवनेश्वर रोशन रथ प्रदीप्त महापात्र संतोष जेना और दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज स्वागत तमिलनाडु कुनूर एयर क्रैश रे शहीद होती ओडिया पो राणा प्रताप दास राणा पार्थिव शरीर आसंता काली किंबा रविवार सुधा पैतृक गाँ अनुकूल जिला तालचेर कंडाला पंचायत कृष्णचंद्रपुर ठारे पहुंचबो बोली आशा करा जाउछि राणा प्रताप को शहीद खबर मिलवा पर स्थानीय अंचल रे खेली जाइछि शोकर छाया पूर्वतर केन्द्रमंत्री देवेन्द्र प्रधान को धर्मपत्नी बसंत मंजरी प्रधान तांको पैतृक गाँ कृष्णचंद्रपुर पर भेटी राणा प्रताप को बासभवन को जाई तांको बापा श्रीवत्स दास एवं परिवार को भेट समबेदना जनाई महंगा डबल मर्डर घटनार केस डायरी बा सीरी दाखल कले थाना आईआईसी आईनर पेंच खेली विफल होगापर तदंतकारी अधिकारी केवल सीडी दाखल करी सीडीआर साइती रखिछन्ति बोली कोर्ट को अवगत करछन्ति सीडीआर रे कोन अछि ताहा स्पष्ट होइ नथिबा बळे याकु कोर्ट रे दाखल पई पूणी आवेदन करिवे बोली कहछन्ति अभिजोकारी रमाकांत बराळ सीडीआर लुचकाली खेल रे
रोचक मोड़। आईन पेंच फेल मारिबा परे कोर्टरे दाखल हला केवल केस डायरी। सीडीआर दाखल पाई आउ थरे आवेदन करिवे अभियोगकारी। महांगा डबल मर्डर घटनार केस डायरी दाखल डेडलाइन थिला 10 तारीख सकाळ 10:30। डेडलाइन 15 मिनिट पूर्वरु कोर्टरे पहुंचीथिले महांगा थाना आईआईसी निहार रंजन महांती। बाहर को बाहरिबा बेले केवल एतिकी कहिले कोर्ट जहाँ कहिथिला कंप्लाय कलु। महांगा थाना आईआईसी सीडीआर को साइत रखिछन्दि बोली कोर्ट को अवगत करिथिले। तबे सीडीआर दाखल नहले आईन मंत्री को सुरक्षा पाई एथिरे चंचकतार संभावना थिबारु एहाकु कोर्ट रे दाखल पाई आउ थरे आवेदन करिवे बोली कहिछन्दि अभियोगकारी रमाकांत बराळ। जोडा अदालत निर्देश देथिले जे सीडीआर प्रिजर्व करिया पे एवं अप टू डेट सीडी तेणु सीडी 161 10 जन कर देछन आमे 5 जन देथिलु पुलिस आउ को 5 जन को देछ आमे जानिनु आमे सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करछु पाइला पर से विषय आलोचना करू। सीडीआर टा पुलिस पाखरे अछि बोली पुलिस लेखेकरी मानेवर अदालत को जणैछ आमे पुणी अदालत को जीवु से सीडीआर तो मुख्य जिनस जो थर मंत्री अभियुक्त बोली आमे कहूछु तार समस्त प्रमाण से सीडीआर रे रहिछ तेणु से पुलिस पाखरे रहिले केदुरु कौन सुरक्षित रहिबो आमर विश्वास पाऊनु तेणु आमे मानेवर अदालत को पुनर्वार निवेदन करिवु जे सीडीआर टा कोर्ट को पळे आसिया पई। तबे दाखल होइथिबा सीडी रे 10 जन साक्षी को बयान थिबा जणा पडिछि। महांगा डबल मर्डर घटनार सीडी और सीडीआर दाखल नकरिबाकु समय गड़ाई चलते आईआईसी तीन थर सत्यपाठ दे अनेक बाहाना करिबा सह 30 दिन मोहलत मागिथिले। निजे हाजर न होई कोर्ट को निर्देश को अवमानना करथिले। पुणी जेएमएफसी कोर्ट रो निर्देश को चैलेंज करी एटीजे कोर्ट को जाइथिले। तबे जेएमएफसी कोर्ट को निर्देश को चैलेंज करिबाकु आईआईसी को पाई आईन मंत्री व्यवहार करथिले आईन विभाग को। ए हेउची तार प्रमाण सरकारी वकील देथिला आईन विभाग हेले आवेदन को एटीजे ग्रहण नकरिबा परे सामना को आसीथिला महांगा डबल मर्डर घटन अभियुक्त थिबा आईन मंत्री को सांघातिक षडयंत्र गुमर। 20/11/2021 एसपी को थ्रू रे सीडीआर कल्फर करथिला जो सीडीआर कोर्ट मगेई थिले से लोक मानकर सीडीआर से कल्फर करिगिरे एसपी को थ्रू रे गत 6/12/2021 रिसीव करछि एवं तार सर्टिफिकेट तार जे प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर ताठुर रिसीव करिगिरे प्रिजर्व कर रखी एवं अप टू डेट सीडी दाखल करछि। 10 जन का साक्षी इनक्लूडिंग इनफॉर्मेंट समस्त साक्षी बयान रेकर्ड कर 161 स्टेटमेंट आज कोर्ट में दाखल कर। महांगा डबल मर्डर घटनार अभियुक्त मानकर मोबाइल कॉल डिटेल दाखल पाई तदंतकारी अधिकारी को निर्देश देवाक कोर्ट में आवेदन करते कूलमणि बराल पुओ रमाकांत बराल ए 17 जन ना और मोबाइल नंबर था यह हूँ पूरा तालिका। तेज 17 जन आईन मंत्री प्रताप जेना पीए उमाशंकर और बापी विश्वाल डाण हाथ कहुआ महांगा ब्लॉक अध्यक्ष शरत नायक और 2 नंबर मुदाला मृत प्रफुल्ल विश्वाल December 2020 February 2021 भितर मोबाइल फोन कॉल रेकर्ड को साइज रखी कोर्ट को अवगत करने को सालेपुर जेएमएफसी कोर्ट निर्देश देते। सालेपुर असित सामल का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। खबर जारी रहबो समय छ एक ब्रेक रो। ब्रेक पर पुनी थर स्वागत। धरा पड़ला बिजेडी रो मिलर प्रेम चासी को पाई नुहे मिलर को पाई उसुना चिंता। केंद्र जोगाण मंत्री खोलिले राज्य सरकार को मिछो दाबी रो गुमर संसद रे मंत्री को स्पष्ट करबा परे बिजेडी रो दाबी कुने प्रश्न सेबडे बलांगी रे मिलर को मनमानी देखिवा को मिलिछि। धरा पड़ा बिजेडी रो मिलर प्रेम चाषी को पाई नुहे मिलर को पाई उसुना चिंता। केंद्र जोगाण मंत्री खोलिले राज्य सरकार को मिछो दाबी रो गुमर संसद रे मंत्री को स्पष्ट करिबा परे बिजेडी रो दाबी कुने उठला प्रश्न। बलांगीर आसिला मिलर को मनमानी रो प्रमाण। राज्य सेंट्रल पूल में डालना चाहते हैं उसके लिए पर्याप्त डिमांड देश में। अगर देश में और कोई वो प्रकार का राइस नहीं खाता है तो स्वाभाविक रूप से एफसीआई ने इसीलिए एक क्लॉज रखा है टू मीट द रिक्वायरमेंट्स टू मीट द ओवरऑल कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री अंडर टीपीडीएस ओडब्ल्यूएस एंड टाइप ऑफ राइस मिल्ड इन द स्टेट। डिसेंबर 3 तारीख रे संसद रे ये हुची केंद्र जोगाण मंत्री पीयूष गोयल को उसुना चाळो कुनी स्पष्टीकरण। विभिन्न राज्य रे थिबा चाहिदा अनुसार एफसीआई चाळो उठाई थाए। एबे देखंतु केंद्र जोगाण मंत्री को बिजेडी रो दाबी पत्र उपरे एथरे उल्लेख रही 2021-22 रे 24 लाख मेट्रिक टन उसुना चाउल बड़का रहिबो। ए उसुना चाउल एफसीआई उठाऊ बोली दाबी करछि बिजेडी।
ओडिशार चाषी सरकार को धान बिक्री करिथांती चाउल नुहे मिलर्स माने याकु बॉयल करी चाउल करथांती प्रश्न कहा स्वार्थरे बिजली चाषी ना मिलर को काहे की मिलर को पई ओकिलाती करछंती राज्य सरकार बिजू जनता दलर सांसद माने कहार ओकिलाती करबा पई मंत्री को पाख को जाइछंती मिलर्स मानकर ओकिलाती करबा पई ना ओडिशार चाषी मानकर स्वार्थ पई समान पीयूष गोयल माननीय मंत्री को भेटिछंती एठी बात्या जनित अदिनिया वर्षा हैला भयंकर क्षति क्षतिग्रस्त हैला चाषी मानकर धान पनीपरिया फसल नष्ट होगा चाषी मुंडरे हाथ देकि बसीचे राज्य सरकार तार तो आकलन करूनी चाषी मानकु कौन क्षतिपूरण देव से कथा घोषणा करूनाई नवेम्बर एक तारिख रु सब मंडी ओडिशा रे खोलिबा कथा नवेम्बर एक तारिख रु मार्च तीस भितर मंडी खोल धान चाषी बिक्री करेंगे आज पर्यंत ओडिशार 80 भाग मंडी खोली नाई सेबे बलांगीर मिलर को मनमानी प्रीति वर्षा जो धान किणा आरंभ हो नहीं कंटाबांजी श्री श्यामाजी राइस मिले महजूद अच्छी विपुल परिमाण धान पखापाखि 10,000 क्विंटाल धान महजूद रही 10 नवेम्बर सुधा जिले में मात्र 68 जन चाषी 2793 क्विंटाल धान बिक्री करे बड़ प्रश्न श्यामजी राइस मिले एत परिमाण धान आसला के प्रशासन आज चढ़ाऊ कर जबत कर बेहन धान जिलापाल कहते आईन अनुसार मिलर विरोध में कार्यानुषान धान गोटे प्रकार मंडी कैंसीरा नहीं खुलवार बेलपड़ार गोटे राइस मिल रे 5,000 रु 10,000 क्विंटाल धान राइस मिल भितर बसीचे तार ना कौन से एविडेन्स नैन डॉक्यूमेंट नैन गोटे प्रकार देखे बोले बलांगीर उपजिलापाल के फोन कला फोन रेस्पॉन्ड नहीं करवार प्रशासन के निवेदन विशेषकर जिलापाल से सबको अनुरोध करूचे चाषी जेहेतु गोटे न तार आर्थिक मेनदंड निर्भर करुचे आम चाष उपर धान चाष उपर से दृष्टि अति शीघ्र दिने दुई दिन भितर 24-48 घंटा भितर धान किणवार व्यवस्था कर 8 कि 10 मंडी खुला है बाकी सब मंडी बंद होकर पड़ीचे चाषी अभावी बिक्री सम्मुखीन होबा लगी जाऊे वर्तमान आउ दलाल मान हाथे सब धान चाषी मानकटा जाऊे आ मिले वर्तमान धान भरपूर होकर रहबार आरंभ होलान बजेट इरेगुलरिटी तथ्य मिली बट सेटा एक्चुअली रेगुलरिटी कि नहीं से गोटे फाइनाल रिपोर्ट सबमिट करेंगे तंकर पाखे केते धान कि चावल बाहर और सेटा जदि आमर पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर नले एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट नले आमर पैडी प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस को जदि वायलेट करथिबो डेफिनेटली सेई ता हिसाब रे आमे उचित कार्यानुष्ठान मध्ये ग्रहण करबा भुवनेश्वर दिव्यज्योति महंती को सब बलांगीर वीडियो जर्नलिस्ट सुजीत सेरस तरुण साहू अर्गस न्यूज राजधानी स्कूल में कोरोना डर प्रथम छात्र छात्री आउ एवं शिक्षक कैपिटल परे केवीरे कोरोना दीर्घ दिन परे ऑनलाइन सहित ऑफलाइन मोड रे चली पाठपढ़ा किंतु एवं ओडिशा रे पॉजिटिव को संख्या बढ़िया सहित शिक्षानुष्ठान को घरी कोविड भय स्कूल बेल बाजिबा सह बाजिछि कोविड रो सतर्क घंटी छात्र छात्री को परे शिक्षक राजधानी स्कूल रे कोरोना रो एंट्री कैपिटल हाई स्कूल परे केंद्रीय विद्यालय एक कैपिटल स्कूल रो नवम और दशम श्रेणी दुई छात्र केवी वन रो दस रु अधिक शिक्षक एवं कोरोना कबल रे राज्य में ऑनलाइन सह ऑफलाइन मोड रे चली पाठपढ़ा दीर्घ दिन परे क्लासरूम पाठपढ़ा होथिबारु पिला खुशी किंतु बढ़ुथिबा संक्रमण को नहीं छात्र छात्री शिक्षक अभिभावक और राज्य सरकार टेंशन रे अवश्य पूर्व गाइडलाइन अनुसार जो अभिभावक चाहिए ना से पिलांकु स्कूल न पठाई ऑफलाइन क्लास कराई पारे दस के लगभग है कुछ लोगों में सिम्टम्स है ये रिपोर्ट नहीं आई फाइनल होगा और ये आज से नहीं है जैसा कि अभी सुनने में आया है कुछ ऐसा आज से नहीं है ये काफ़ी दिनों से है महीना डेढ़ महीने से है जो भी टीचर है हमारे यहाँ लंबी स्टाफ स्ट्रेंथ है तो जो भी टीचर होते हैं जिनके सिम्टम होते हैं उन्हें वापस करेंगे क्वारंटीन में है और हार्ड डिस्क्रिप्शन में है डॉक्टर्स के वो अपने डॉक्टर्स के कनेक्ट में है उनकी रिपोर्ट हमारे पास है थ्रू मेल वो भेजते हैं और जब वो फिट होंगे तो वो विद्यालय आएंगे आम एसओपी के कड़ाकड़ी लागू करुचु पे स्कूल को गलापर घर कोई तेणु घरे से जितेबाला जाऊँगी कड़े कड़े जाऊँगी कि घटना एमती न घटू सेमती किसी कथा ना तेणु आम एसओपी कड़ाकड़ी लागू करुचु थंडा ज्वर हेले जदि क्या हो स्कूल को न आसवापी बारण कराई राजधानी स्कूल सह संबलपुर भीमसार मेडिकल कॉलेज ढेकानाल आवासिक महाविद्यालय जाजपुर कस्तूरबा स्कूल में पहुंची सारी कोविड से राज्य समस्त जिलापा चिठी लिखि शिशु सुरक्षा आयोग आवासिक हो कि साधारण विद्यालय समस्त छात्र छात्री कोविड टेस्ट करा जाऊ लक्षण देखा गले निया जाऊ तुरंत पदक्षेप
ଟେଷ୍ଟର ଷ୍ଟେପ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଓମିକ୍ରନର ପ୍ରଭାବ ଶୁଣାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୁଣି ଥରେ ଆଉଥରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋଫାର ଆମର କାଲି 372 ପିଲାଙ୍କର ଭାବରେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଠି ହେଇଛି ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ। 2 ପିଲାଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ 2 ପିଲାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରୁମ୍ରେ ରଖିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସବୁ ରୁମ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି ପୁଣି ଥରେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆଉଥରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିକି ରଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ସଂକ୍ରମଣ କମିବା ପରେ ଖୋଲିଥିଲା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଏବେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ସହ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ କୋଭିଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ଡର ବଢ଼ାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ହୋଇଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ରଖିବା, ନମସ୍କାର।